वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डाइफिनाइल या फिर कह लो बाइफिनाइल, उसके सिंथेसिस या फिर कह लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर कह लो प्रिपरेशन। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है फिटिंग मेथड। कौन सा मेथड है? फिटिंग मेथड। अब एक चीज ध्यान से देखो, पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। अब ये हमें सिंथेसाइज करना है, तो एक चीज तो फिक्स है कि हमें कुछ बेंजीन वाले स्टार्टिंग मटेरियल्स लेने होंगे। तो यहां फिटिंग में आपको मालूम होगा एक रिएक्शन होता है वुड्स और एक होता है फिटिंग। वैसे एक वुड्स फिटिंग भी होता है। तो वुड्स में क्या करते हैं, हम ये अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जिसका रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, ड्राई ईथर या फिर ड्राई कंडीशन में। आपको मालूम होगा कि जब भी सोडियम यूज किया जाता है तब कंडीशन ड्राई होना चाहिए। तो होता क्या है, यहां से दो बीआर, ये दो सोडियम के साथ निकल जाते हैं और ये दो आपस में जुड़ जाते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बस तो ऐसा ही, अगर अल्काइल हैलाइड की जगह पर अगर मैं ले लूं एराइल हैलाइड तो उसको बोला जाता है क्या, फिटिंग। तो देखो ये मैंने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और उसका रिएक्शन कर दिया दो मोल सोडियम के साथ, दूसरा भी ब्रोमोबेंजीन ही ले रहा हूं मैं। यहां पर ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन नहीं है तो ये सोडियम मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और NaOH बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ये ड्राई कंडीशन होगा और नॉर्मली हम जो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वो ईथर होता है, वो डाई इथाइल ईथर हो सकता है, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो कि एक ईथर ही है साइक्लिक, वो हो सकता है। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट ये बनने वाला है। ये प्रोडक्ट मैं यहां पहले लिख देता हूं, कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो ये बन गया डाइफिनाइल। अब ध्यान से देखो यहां पर होता क्या होगा, तो पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। कैसे? यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये ब्रोमीन और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कार्बन। तो क्या बना, यहां पर बेंजीन के ऊपर जनरेट हो गया फ्री रेडिकल, फिर ब्रोमीन के ऊपर फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ। अब यहां पर मैंने सोडियम लिया है तो सोडियम तो मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये Br फ्री रेडिकल प्लस वन इलेक्ट्रॉन से बन गया ब्रोमाइड। ठीक है, अब ऐसे दो एराइल हैलाइड है तो दो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां पर मुझे सोडियम भी दो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बाय प्रोडक्ट माइनस टू एन ए बी आर, या फिर शॉर्ट में इतना समझ लो कि यहां से दो ब्रोमीन और यहां से दो सोडियम एन ए बी आर निकलेगा। फिर ये फिनाइल फ्री रेडिकल बना, ऐसा दूसरा फिनाइल फ्री रेडिकल यहां बनेगा और दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड था पहला फ्रॉम फिटिंग मेथड। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करने वाले हैं, बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा तो मैं यहां पर एक ले लेता हूं एक ऐसा बेंजीन। ध्यान से देखो इसको MgBr क्या बोलेंगे, इसको एराइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड या फिर एराइल मैग्नेशियम हैलाइड, एराइल मैग्नेशियम हैलाइड या फिर इस पर्टिकुलर केस में मैं ब्रोमाइड ले रहा हूं तो ब्रोमाइड बोल देता हूं। प्लस यहां पर मैं दूसरा एक बेंजीन ले लेता हूं तभी तो डाइफिनाइल बनेगा, यहां पर मैं ले लेता हूं ब्रोमीन। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये है जीआर, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर भी आपके पास जो कंडीशन रहेगा वो ड्राई रहेगा और नॉर्मली जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है ईथर, जानते हो। हाँ, अब ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर कहीं पर भी एसिडिक प्रोटोन है तो खींच लेगा, हमारे पास नहीं है। तो ये कार्बन
एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर। यहां पर डेल्टा प्लस देखना है आपको, ये डेल्टा माइनस, सॉरी ये डेल्टा माइनस है और यहां पर डेल्टा प्लस है। तो ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और फिर ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं। तो क्या हो गया, ये बेंजीन और ये बेंजीन जुड़ गए, यहां से MgBr निकला, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से Br, तो माइनस क्या बन गया MgBr2 और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा डायफिनाइल। तो यहां पर आप हेडिंग लगा सकते हो फ्रॉम एराइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहां पर ड्राई कंडीशन होगी, साथ में यहां पर स्मॉल अमाउंट में कुछ मेटल हैलाइड्स ऐड किए जाते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो और यील्ड ज्यादा मिले। तो यहां पर ये एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है, FeCl3, कोबाल्ट क्लोराइड, निकल क्लोराइड, ये सारे कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं एज कैटलिस्ट, ये मेटल कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने मेथड हो गए, दो मेथड। तीसरा जो मेथड है वो इसके जैसा ही है, उसको नाम है उल्मान मेथड। अब उल्मान आपने पढ़ लिया होगा आगे सेकेंड ईयर में। देखो क्या करना है, हमें लेना है यहां पर बेंजीन के साथ हैलोजन, मतलब हैलोबेंजीन लेना है, यहां पर आयोडाइड या फिर ब्रोमाइड लिया जाता है, दो अलग अलग ले लेता हूं मैं, यहां पर ले लिया आयोडाइड। अब यहां पर मेटल अलग लिया जाता है, बस आगे देखो हमने कौन सा मेटल लिया था, सोडियम फिटिक में, यहां पर मेटल में कौन सा ले रहा हूं, कॉपर। अब इनको हीट किया जाता है सील्ड ट्यूब में। सील्ड ट्यूब का मतलब क्या है, एक ट्यूब में ये मेटल भरा जाएगा, ये आयोडोबेंजीन भरा जाएगा और उसको जैसे हम हीट करेंगे तो ट्यूब बंद है, टेम्परेचर जैसे मिलेगा उसको साथ में प्रेशर भी जनरेट होगा, जैसे प्रेशर कुकर में हम कोई चीज भर दे और उसको हीट करेंगे तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा, वैसा ही इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन, लेकिन शॉर्ट में हम इतना समझ सकते कि यहां पर कॉपर है तो कॉपर मेटल है, उसमें से CO2 प्लस बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखो, यहां से आई माइनस, यहां से आई माइनस, ये CU2 प्लस बना तो बाई प्रोडक्ट क्या लिख दूंगा, CuI2। शॉर्ट में समझते हैं। अब ये दो बेंजीन को बोंड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं यहां से दो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, चलो तीन मेथड डिस्कस कर लिए। मेथड नंबर फोर जो है वो है हमारा बुश मेथड। कौन सा मेथड है, बुश मेथड। हाँ देखो, बुश मेथड में क्या करना है, लिख देता हूं मैं पहले बुश मेथड। यहां पर हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन, कितने मोल लेने पड़ेंगे, दो मोल। देखो अभी आप बड़े हो चुके हो, एडवांस लेवल पे कुछ पढ़ रहे हो, तो अगर एक ही मोल में लिखूं ना तब भी आपको समझ जाना है कि कहीं पर एक मॉलिक्यूल आप ले ही नहीं सकते, मोल कंसेप्ट जानते हो ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे, उसमें से दो कंबाइन हो जाएंगे। अब इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम सपोर्टेड कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब पैलेडियम मेटल है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, जो हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। और यहां पर साथ में NaOH लिया जाता है और NaOH का सॉल्यूशन होगा इथेनॉल में, तो इथेनॉलिक KOH बोलेंगे। ये NaOH जो है उसके साथ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन से क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है, यस थोड़ा याद कीजिए याद आ जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये मेथड कौन सा है, यस ये है रिडक्शन मेथड। कौन सा, वुल्फ किस्नर। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन आप पढ़ चुके हो, उसमें आप इससे क्या करते थे, रिडक्शन करते थे, किसका, कार्बोनिल का, होता क्या था मिथिलीन ग्रुप, मतलब आल्केन बन रहा था, मतलब दो हाइड्रोजन मिल रहे थे, तो यहां से जनरेट होगा हाइड्रोजन,
या हाइड्रोजन मैं यहां पर पहले से लिख देता हूं, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं H2, या फिर दो हाइड्रोजन लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये H2 जो है उसमें से क्या होगा, ये H इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां से बनेगा H+, ये H+ और ये Br- क्या बन गया, माइनस एच Br। फिर इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो यहां से ये H के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहां से भी बन जाएगा H+ और ये बन जाएगा Br-। शॉर्ट में समझने के लिए, इन शॉर्ट होगा क्या, यहां से Br, यहां से Br, यहां से दो H+, तो माइनस टू एच बी आर बनेंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बायफिनाइल। मेथड नंबर फाइव, डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन दो अलग अलग मेथड देखें, पहले मैं इसका डायएजोटाइजेशन करता हूं, दो बेंजीन वैसे ही जुड़े हुए हैं, यहां पर मैंने दोनों की पैरा साइड में लगा दिया NH2 NH2, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीडीन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेंजीडीन। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहां से NH2 हटाना है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन लाना है, सिंपल यही तो करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो लिखूंगा उसमें ये NH2 नहीं लिखूंगा तो बन जाएगा, वैसे तो नहीं बनेगा। चलो इसको निकालने के लिए पहले मैं ले लेता हूं रिएजेंट, कौन सा लेते हैं हम, NaNO2 प्लस HCl। अगर आपको याद है एक NH2 का हमें कन्वर्जन करना है तो हम NaNO2 के साथ दो HCl लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, और यहां से बनेगा क्या, ये Na और ये Cl, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, और साथ में दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन काउंट करो दो, यहां पर दो चार और यहां पर दो ऑक्सीजन, तो माइनस टू H2O, ये प्रोडक्ट बनता है एक NH2 के लिए। यहां पर हमारे पास दो NH2 है, तो जैसे मैंने बताया बड़े हो चुके हो, अगर मोल रेशियो नहीं लिखेंगे तब भी आप समझ जाओगे, तो यहां पर NaNO2 दो मोल लेने होंगे, HCl चार मोल, दो मोल NaCl बनेगा और चार मोल H2O बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन, ये भी बेंजीन, यहां दोनों पे N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस, सेम चीज यहां पर बनेगी N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ होगा Cl माइनस। यहां पर आप N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हो, अगर N ट्रिपल बॉन्ड N लिखना है तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर पास में दे देगा, इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये बीच वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलो वैसे लिख देते हैं अच्छे से समझ में आए, इसलिए वैसे भी हमें ये निकालना ही है ग्रुप, तो यहां पर मैं लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब याद करो हमें करना क्या है, हमें यहां से इस डायजोनियम ग्रुप को निकालना है, कैसे निकाल सकते, याद करो, याद आया, या यहां पर हम ऐड करेंगे H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब एक चीज याद करो, आप यहां हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसमें डाल रहे हो, पहले से आपने ये HCl ऐड किया हुआ है, तो HCl जब ऐड किया तब साथ में पानी होगा कि HCl में ही, HCl का सॉल्यूशन वाटर में ही होगा, और यहां पर H2O बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, मतलब अंदर पानी तो है ही, तो ये H3O H3PO2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन होगा और बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। यहां पर दो ग्रुप है तो इसके दो मोल यूज होंगे, इसके भी दो मोल यूज होंगे और ये भी दो मोल निकलेंगे। अब एक चीज याद रखो क्या, कि जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो अनस्टेबल है, अरे याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या बना, यहां से N2, सेम यहां से भी N2 निकलेगा, चलो दो मोल लिख दिया मैंने। अब यहां से H3PO2 और साथ में ऑक्सीजन चला गया तो बचा क्या, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा माइनस HCl, दोनों साइड से ऐसा होगा। अब ये कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, तो
तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही तो बनेगा, ये दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे डाइफिनर। तो ये डायज़ोटाइज़ेशन से हमने बना लिया। और एक मेथड डायज़ोटाइज़ेशन वाला, देखो यहां पर मैं पहले सिंपल सा एनिलीन लेता हूं। डायज़ोटाइज़ेशन में ये था मेथड नंबर वन और ये है मेरा मेथड नंबर टू। अब यहां पर मैं ले रहा हूं NaNO2 और साथ में ले रहा हूं H2SO4, ले सकते हैं HCl की जगह पर। टेम्परेचर तो यहां पर भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बताओ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, पहले तो NaCl निकलेगा, फिर क्या होगा, जहां पर क्लोरीन है यहां पर हमने क्या ले लिया, HSO4। तो यहां से पहले ये Na और ये HSO4, तो माइनस NaHSO4 निकलेगा। फिर यहां पर भी पानी तो निकलना ही निकलना है ना। चलो अब यहां से H, यहां से NO2, मतलब बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। तो कभी कभी डायरेक्ट हम लिख देते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा, ये बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रोजन, इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं। चलो ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड लिखा है तो बीच वाले नाइट्रोजन के ऊपर, अगर डबल बॉन्ड है तो लास्ट वाले नाइट्रोजन के ऊपर। इसके साथ जुड़ेगा क्या, HSO4। क्या नाम देंगे इसको, बेंजीन डायअजोनियम। अगर यहां पर क्लोरीन होता तो क्लोराइड लिख देते, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट है तो ये नाम बन गया बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब एक चीज बताओ, अंदर ये एक ही मॉलिक्यूल होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों, करोड़ों से भी ज्यादा। अब इसको मैं हीट कर रहा हूं इथेनॉलिक कोपर के साथ, मतलब इथेनॉल ले लिया और साथ में कोपर ले लेता हूं। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा तभी तो बायफिनाइल बनेगा। चलो मैं दो मॉलिक्यूल लिख देता हूं HSO4। अब ध्यान से देखो, पहले यहां से ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, सेम यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, तो बाय प्रोडक्ट लिखो -2N2। ठीक है, अब बचा क्या, यहां से HSO4, यहां से भी HSO4, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब मैं यहां से ये कोपर जो है उसमें से बता रहा हूं कोपर +2 बनेगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, कोपर का ऑक्सीडेशन हो गया, +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स काफी है इन दो बेंजीन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैं डायरेक्टली यहां पर बॉन्ड बना देता हूं। चलो तो डाइफिनाइल तो बन गया, अब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां से दो N2 निकाल दिए, दो बेंजीन को भी जोड़ दिए, अब यहां से Cu+2 बना, Cu+2 बना, यहां से HSO4 माइनस है, अगर ये H+ मैं इसको दे दूं तो क्या बनेगा, -H2SO4, और यहां से क्या बचेगा, SO4 2 माइनस, तो ये SO4 2 माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो -CuSO4 कॉपर सल्फेट बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर 5 मेथड, वैसे तो 6 हो चुके, चलो और एक लास्ट मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 6 फ्रॉम बेंजीन। अब बेंजीन में से मुझे डाइफिनाइल बनाना है, क्या करना होगा, दो बेंजीन को जोड़ने हैं। हाँ, तो ये मेथड जो है लार्ज स्केल पे काम करता है, लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल बोल सकते हो। यहां पर मुझे एक बेंजीन लेना है, अब दो बेंजीन जोड़ने हैं, ध्यान से देखना, दो बेंजीन जोड़ने मतलब कैसे जुड़ सकते हैं। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, कि यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से दूसरा बेंजीन ले लूं मैं, वहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा, तो देखो यहां दो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, सेम यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये कार्बन ले लेगा, एक ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहां से क्या निकला, H फ्री रेडिकल, यहां से H फ्री रेडिकल, मतलब -H2।
एच टू अगर एड हो रहा है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। यहां से एच टू निकल रहा है, मतलब ये क्या है, डी हाइड्रोजिनेशन, सही है ना? यस, तो डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अब एक ही मॉलिक्यूल में से हो रहा होता तो मैं क्या बोल देता, दो अलग अलग, मैं बोलता हूं ना दो अलग अलग सिटी के बीच में जो बस दौड़ती है उसको बोलते हैं इंटरसिटी। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होने वाला है, यहां से फ्री रेडिकल, यहां से फ्री रेडिकल, तो ये डीहाइड्रोजिनेशन है, कौन सा है, इंटर मॉलिक्यूलर, तो ये है इंटर मॉलिक्यूलर डीहाइड्रोजिनेशन। अब यहां पर मैंने फ्री रेडिकल्स बनाए तो आपको मालूम होगा फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं, जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हो। तो यहां पर हम टेम्परेचर यूज करते हैं 100 डिग्री टू 1100 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर देना है। इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के लिए हमें मेटल यूज करना होगा, तो वो मेटल जो होगा वो रेड हॉट आयरन ट्यूब होगा। तो ये रेड हॉट आयरन ट्यूब में से हम ये बेंजीन जो है उसका वेपर पास कर देंगे, बेंजीन का वेपर पास करेंगे तो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएगा और ये डाइफिनाइल मीथेन, सॉरी डाइफिनाइल एज प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी ऑपरेट होता है तो सिंगल प्रोडक्ट मिलना मुश्किल होता है, तो यहां और भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन हमारा एम जो था हमने बना लिया। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल से मेथड थे। अब याद रखने के लिए आपको क्या करना है, तो प्रोडक्ट तो हर बार एक ही बनने वाला है डाइफिनाइल, स्टार्टिंग मटेरियल अलग अलग बनने वाला है। याद रखने के लिए आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है और रिवाइज करने के लिए बस ये चीजें याद रखनी है। पहला मेथड कौन सा था, फिटिंग, दूसरा कौन सा था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर एराइल मैग्नेशियम हैलाइड। तीसरा मेथड फिटिक के जैसा ही थोड़ा चेंज था, वो कौन सा था, उल्मान रिएक्शन। फिर नंबर फोर पे क्या था, बुश मेथड। नंबर फाइव पे क्या था, डाई एजोटाइजेशन, उसमें हमने दो मेथड्स देखे थे। और लास्ट वन कौन सा है, फ्रॉम बेंजीन। बस तो ये स्टार्टिंग मटेरियल्स अलग अलग होंगे, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा, बाकी सारी चीजें भूल जाओगे आप। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको बीमार पड़ जाते हो तो बोलते हैं कि ये गोली सुबह शाम 5 दिन तक खा लेना ठीक हो जाओगे। वैसे ही ये चीजें अगर आपको एग्जाम में लिखनी है तो एग्जाम से पहले 5 बार मिनिमम रिवाइज करो और रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करो, तभी ये सारी चीजें आप याद रख पाओगे। बिल्कुल ठीक। तो अब कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।